और इस देश की पुलिस जो कर रही है उस पर भरोसा कीजिए। जब 9 तारीख का मामला सब जुडिस है तो वो मेरे लिए भी सब जुडिस है और वो वाइस चांसलर साहब के लिए भी सब जुडिस है। उसके ऊपर कोई लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। अगर वाइस चांसलर साहब न्यायालय का सम्मान करते हैं, अगर जो लोग जैसे हमारा एक है हीरो, वो कहा कि आप प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप पर इंक्वायरी चल रही है, हमने कहा इंक्वायरी तो मोदी जी पे 10 साल चला गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, इंक्वायरी तो तुम्हारे खिलाफ भी चल रही है, बोला आप नैतिक आधार पे इस्तीफा दे दीजिए। बोले तुम मानते हो मेरे अंदर नैतिकता है, तुमको अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत खुशी की बात है, तब हम सोचेंगे, लेकिन तुम तो मानते हो कि हम तो तुम्हारे लिए अनैतिक हैं, तो कानून की बात करो, संविधान की बात करो। और कानून और संविधान में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का टेन्योर 1 साल का होता है। हालांकि हम फेल होंगे नहीं, लेकिन अगर फेल हो भी जाते तब भी प्रेसिडेंट ही रहते, क्योंकि हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हैं। तुम्हारे मुंह उठा करके इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं होता। और हमको प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे हम, इसके लिए भी प्रावधान है। उसका प्रावधान ये है कि तुम स्टूडेंट्स का सिग्नेचर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और वहाँ पे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके मुझे हटा दो। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, 4 काउंसिलर उसके समर्थन में नहीं जुटे काउंसिल मीटिंग में, तो बाहर जनता कहाँ उसके पक्ष में जुटेगी, ये बात वो भी जानता था। तो पूरे मीटिंग में जो है हंगामा करते रहा और वहाँ जो काउंसिलर थी, खास करके जो विमेन काउंसिलर्स हैं, उनकी सहमति के बिना ये प्राइवेसी ब्रीच करने का मसला है। इनके लोग फिर से जो है एक खास न्यूज चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे ताकि वो फिर शाम में जाकर के ताल ठोकने लगते। भाषा देखिए इनकी, अमित शाह ने कहा था कि बिहारियों का डीएनए में गड़बड़ी है, आजकल ये न्यूज चैनल हमारा भी डीएनए चेक कर रहा है। घबराइए मत, हमारा डीएनए हमारे माँ बाप चेक करेंगे और जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट के माँ बाप उसका डीएनए जानते हैं। आप अपना डीएनए चेक मत कराइए, आपका डीएनए चेक हुआ है। तो वो वीडियो बना रहे थे काउंसिल मीटिंग का, किसी भी हाउस का वीडियो बनाना हाउस के कंसर्न के बिना यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल एक्ट है। ये एक्ट भी वो काउंसिल मीटिंग के तहत कर रहे थे। फिर पता चला, उन्होंने कहा कि हमारा रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा गया। रेजोल्यूशन लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाता, रेजोल्यूशन दिया ही नहीं गया तो रखा कैसे जाता, कोई रेजोल्यूशन एबीवीपी की तरफ से नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उनका पूरा ध्यान बुद्धा इन ट्रैफिक जाम में था और थोड़ा सा जो है मेहनत करके सोचे कि चलो आज थोड़ा काउंसिल मीटिंग भी हो आते हैं। पहले कहा कि काउंसिल मीटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फिर उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में बैठ करके जनरल सेक्रेटरी को कह रहा था कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ये तमाम चीज़ें हुई। फाइनली जो एक रेजोल्यूशन पेश किया गया वह रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन में साफ साफ कहा गया है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एचएलईसी को लेकर के जो हमारा कंसर्न है कि उसके कंपोजिशन पे जो हमने सवाल उठाए, हमने जो उसको लोकतांत्रिक बनाने का सवाल उठाया, उस सवाल को एड्रेस किए बिना इस इंक्वायरी कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। जब रिपोर्ट सबमिट किया तो स्टूडेंट्स ने जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिनको शोकॉज नोटिस भेजे गए हैं, उन लोगों ने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट के नाम पे शुरू के 6 पन्ने उनको थमा दिया गया। यह बात जब यूनियन को पता चली तो यूनियन वाइस प्रेसिडेंट ने यूनियन के लेटर हेड पे एक लेटर लिख करके कहा कि पूरी रिपोर्ट हमको दीजिए। तो वाइस चांसलर साहब मुकर गए, बोले कि पूरी रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, मतलब पूरी रिपोर्ट भी वो हमको देने के लिए तैयार नहीं है। और जो शोकॉज नोटिस आया है वो बहुत मजेदार है कि क्या इनडिसिप्लिन है ये वाइस चांसलर तय करेंगे। उसमें कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं लिखी गई है, जैसे आप रेड लाइट तोड़ेंगे तो 200 रुपया जुर्माना, लाइसेंस नहीं होगा तो 500 रुपया जुर्माना, इस तरीके से कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप इनडिसिप्लिन किए हैं और आप इनडिसिप्लिन किए हैं कि नहीं किए हैं ये वीसी तय करेंगे। भाई साहब, ऐसे अगर इस देश को चलाओगे तो इस देश की 80% जनता इनडिसिप्लिन कर रही है, क्योंकि जो 20% लोग हैं उनको लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो समाज पे बर्डन हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ये 8,000 स्टूडेंट अपने सर के ऊपर बर्डन लगते हैं, उनको लगता है कि ये सारे लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके चले जाएं।
आज जब हम लोग यहाँ जमा हुए हैं तो एक बात क्लियरली समझना होगा, ना मसला HLEC का है, ना मसला रिपोर्ट का है, ना इस रिपोर्ट के आधार पे इनकी कार्रवाई का है। ये सब जो होगा सो होगा, जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो उसका मंजिल कितना तगड़ा होगा ये हम सब लोग समझते हैं। तो HLEC का फॉर्मेशन जब गलत हुआ है तो उससे अच्छी रिपोर्ट आने की कोई संभावना नहीं है। कहते हैं कि बबूल के पेड़ में कोई आम का फल तो निकलेगा नहीं। अब भटनागर जैसे लोग HLEC में है हाई लेवल, तो वो किस लेवल का रिपोर्ट देंगे ये हम लोग पहले से जानते हैं। रिपोर्ट जब आ गई है तो शो काउच का एक जो है प्रोपगेंडा रचा गया है कि हम देखिए कितने डेमोक्रेटिक हैं, कि पहले एक दिन का समय दिया था, फिर थोड़ा सा समझे कि नहीं एक दिन में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हम पर सवाल खड़ा हो सकता है कि एक ही दिन का आप टाइम क्यों दिए, तो हमने तुरंत उसको एक्सटेंड करके 2 दिन कर दिया है। तो ये इस तरीके का तमाम चीज हो रहा है। ऐसा लगे कि हमारे वाइस चांसलर एकदम अपने मन से निर्णय लेते हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हैं और यूनिवर्सिटी को एकदम न्यूट्रली वो चलाना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को तो शोकॉज भेजा ही भेजा, हमारे हीरो को भी भेज दिया है, लेकिन उसके जो चार्ज है वो उसको बता दिया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को हमारी गलती नहीं बताई गई कि आपकी गलती क्या है। स्पेसिफिकली नारा लगाना गलती है, कि खड़ा होना गलती है, कि साबरमती पे जाके चाय पी लिए ये गलती है, कि यार जो लोग मारपीट कर रहे थे आपस में, नौकरी पाना था DU में तो उनको आपने छुड़ा दिया कि भाई नौकरी ले लेना, लेकिन आपस में झगड़ा क्यों कर, ये गलती है, ये तय नहीं हो पाया है। फिर भी जो हमारे साथ हमारे हीरो को भेजा है उसको तो बता दिया गया कि तुम बस रोके हो, ये तुम्हारे हमको नहीं पता कि हमारी क्या गलती है, उसको पता है उसकी क्या गलती है और मीडिया को भी पता है। कुछ लोगों ने कहा कि सुना तुम रेस्टिगेट हो गए हो, हम बोला कौन बताया, तो मीडिया में चल रहा है। हम बोले यार मीडिया बहुत मजेदार काम कर रही है कि उसको पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन देता है। हम गए पूछने के लिए उनसे PRO मैडम से कि मैडम आप एग्जैक्टली मीडिया को क्या प्रेस रिलीज भेजे हैं, जरा दिखा दीजिए मुझे। तो उन्होंने मुझे पूछे प्रेस रिलीज दिखाया, उसमें सिंपल सा लिखा हुआ था HLEC हैज सबमिटेड दियर रिपोर्ट एक्शन एंड रिकमेंडेशन एवरीथिंग एंड ऑल स्टूडेंट्स सर्व्ड शो कॉज नोटिस, बस इतना ही न्यूज था। हम बोले पूरी डिटेल कहाँ से आ रही है, कि स्लोगन बाहर के लोग लगाए, ये लोग वहाँ मौजूद थे, 21 लोगों को नोटिस भेजा गया। हम बोले कि या तो हमारे देश की मीडिया बहुत सजग हो गई है JNU को लेकर के, या फिर JNU के जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं वो हमको बताना जरूरी नहीं समझते, जो एक्यूज्ड हैं वो मीडिया को बताना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। खैर कोई बात नहीं है, कुल मिलाकर के अच्छा माहौल है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के लिए कि कम से कम आप हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा है कि वेयर JNU स्टैंड, आपको भी पता चल रहा है कि JNU क्या चीज़ है, आपको भी पता चलेगा कि जब आप पिछले 22 दिन से क्लास यहाँ पे शूट कर रहे थे तो 2 छोटा-छोटा छुटकू सा माइक था और बड़े बड़े एकेडमिशियन आकर के नेशनलिज्म पे अपना लेक्चर दे करके गए, बड़ा बड़ा सा माइक यहाँ लगा है देख लीजिए साउंड, और उसपे बहुत छोटा सा आदमी नेशनलिज्म को बोलने के लिए आ रहा है। कि जो मुझे आकर थप्पड़ मारकर चला गया तब हमारे साथियों ने कहा कि जाने दो, जोश में आ गया है। अब वो आकर के बोलेंगे तो उन्होंने कह दिया था कि हमको डिस्टर्ब किया गया। नहीं अनुपम खेर जी, आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और आपके अभिनय के बहुत सारे मुरीद हैं इस कैंपस में लोग, लेकिन आप अभिनय कीजिएगा, अपना ज्ञान मत दीजिएगा। पढ़ते हैं नेशनलिज्म, पढ़ते हैं और नेशनलिज्म की सबसे बुनियादी बात जो हम समझते हैं, हमको नहीं लगता कि बाल सर का सारा बाल निकल जाने के बाद भी आप समझ पाए। नेशनलिज्म के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इस देश का नेशनलिज्म कभी भी एक धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, इस देश का नेशनलिज्म कभी भी एक देश की जाति के आधार पर नहीं हो सकता, और इस देश का नेशनलिज्म कभी भी एक लिंग के आधार पर नहीं हो सकता। अगर इस देश का नेशनलिज्म आप समझना चाहते हैं तो इस देश के जनता को देखिए, जहाँ काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं और श्यामले लोग भी हैं, जहाँ लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, और वो भी हैं जो लड़का ना है लड़की ना है, यहाँ पे अमीर भी है और गरीब भी है,
यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हैं। इस देश के नेशनलिज्म को अगर हमको बचाना है तो हमको रोहित बेमुला जैसे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस नेशनलिज्म को हम समझते हैं, इस नेशनलिज्म के पक्ष में हम खड़ा होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको कोई नहीं मिलता तो हम विद्यार्थियों के खिलाफ जो अपना फेलोशिप मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, उसके सामने आप सैनिकों को खड़ा कर देते हैं। भाई साहब, क्यों सैनिकों को हमसे लड़ा रहे हो? हम तो कहना चाहते हैं अपने देश के सेना से कि आप भी आइए मैदान पे, आप भी बनाइए अपना एसोसिएशन, आप भी मांगिए अपना सेवंथ पे कमीशन, और आप भी कहिए कि देश के अंदर हम अगर जान दे रहे हैं तो हमारे परिवारों की के बात कौन करेगा? वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई थी उसकी बात कौन करेगा? आज ये जो सवाल है देश के अंदर, जो हम इंक्वायरी कमेटी पे उठा रहे हैं, उसमें क्या है बुनियादी बात? उसमें बुनियादी बात है डेमोक्रेसी। हम इंक्वायरी कमेटी को लोकतांत्रिक बनाने की बात कर रहे हैं। हम इंक्वायरी कमेटी में सभी जो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी बात ठीक से सुनी जाए, इसीलिए हम उसको उसके कंपोजिशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लड़कियों को इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे और उसमें एक भी अगर महिला सदस्य नहीं होगी, इसका मतलब आप इस समाज की सच्चाई को नहीं समझते हैं। कैसे कोई लड़की जाकर के एक मेल प्रोफेसर के सामने अपने आप को डिफेंड करेगी कि ये हमारा पोजीशन है? इतना बेसिक सेंस, इतनी डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर नहीं है, आप कोई फ्री एंड फेयर इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने HLEC पे सवाल उठाया है, इसीलिए हम आपके रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आपका ये दोनों जो प्रोसेस है शुरू से लेकर के अंत तक, इसमें गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को एड्रेस कीजिए। अगर आप इस गड़बड़ी को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, तभी JNU जहाँ खड़ा होता है लोकतंत्र के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, उस पर हम लोग खड़ा हो पाएंगे, और यह जो पूरी की पूरी लड़ाई है उस लड़ाई को हम लोग आगे ले जा पाएंगे। एक सवाल और है जिसे एड्रेस करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि आज कॉमरेड उमर और बान का बेल का फैसला होना है 4 बजे तक के लिए। पहले दोपहर में उस पर डिसीजन होना था, उसको 4 बजे तक के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मैं बस एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आया तब भी JNU को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। अगर फैसला हमारे विपक्ष में आया तब इस लड़ाई को और तेज की जाएगी, और हम पॉलिटिकली भी लड़ेंगे और लीगली भी लड़ेंगे। ये हमारा बैटल है। क्योंकि एक बात बस मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, कभी मत सोचिएगा कि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट कर देगा या कुछ मॉनेटरी फाइन हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि HLSC जैसा कोई कुछ बना दिया गया है बहुत हाई लेवल। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसका रिपोर्ट बहुत फर्जी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। जैसे मीडिया को कहा था कि नहीं चेतिएगा तो पीटेगा ये लोग, और 15 तारीख को पीट दिया। उसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेक्टर से और वाइस चांसलर से बात हुई है, उनको इस तरह की एक घटना का इंतजार था बहुत दिनों से। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, और जब मैं भी आया था तब भी मैंने उसको देखा था कि एक बार यहाँ पर बाहर के कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों को छेड़ दिया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, पुलिस आई दोनों तरफ गेट के, इस तरफ स्टूडेंट सामने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पुलिस। उसके बाद से ही जब गाड़ियों की एंट्री शुरू हुई कैंपस में तो उसको टोकन दिया जाने लगा। इस बार जो हुआ है, इस बार की तैयारी मैं आपको बता दूं, बड़े अच्छे इंजीनियर हैं हमारे वाइस चांसलर साहब, वो कह रहे थे कि सारा डेटाबेस होगा वहाँ कंप्यूटर पे, जब आपको फ़ोन किया जाएगा तो आपका डेटा मिलाया जाएगा। हमने ठीक है सर, मेन गेट पे करा लीजिए, दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने जोर देकर कहा सारे गेट पर। हम बोले इसका क्या मतलब है, वॉशरूम के गेट पर भी कुछ रहेगा क्या? कहना क्या चाहते हैं आप सारे गेट पर? आप जो मेन एंट्री है वहाँ चेक कीजिए। लेकिन इनकी तैयारी ये है कि एड ब्लॉक, स्कूल के गेट पे, हॉस्टल के गेट पे, हर जगह ये CCTV कैमरा और सड़कों पे ये CCTV कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं। CCTV कैमरा से कोई दिक्कत नहीं है, अपना फोटो अगर हम लोग जाकर के देखें कंप्यूटर में तो खुश होता है, ऐसा ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ गलत करते नहीं हैं, इसे बहुत बेफिक्र रहते हैं। जेल में थे तो CCTV कैमरा लगा हुआ था, ध्यान भी नहीं रहता था कि CCTV कैमरा।
अपना जैसे रहते हैं रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है फिर से उसको कोई अगर डॉक्टर कर दिया तब तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8 तारीख को रजिस्ट्रार के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो 8 तारीख को CCTV काम कर रहा था, 9 तारीख को जब हमारी मीटिंग नहीं हुई मैं सो रहा था, उस दिन CCTV काम ही नहीं कर रहा था। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं समझ गया कि CCTV कैमरा लोगों को बचाने के लिए नहीं होता है, लोगों को अगर बचाना है तो उनको उनका बुनियादी हक दे दीजिए, उनको उनका फेलोशिप दे दीजिए, उनकी लाइब्रेरी में उनको किताब दे दीजिए, जब यहाँ पढ़ लें, जब उनका थीसिस सबमिट हो जाए तो जैसा ही थीसिस वो लिखें, जितनी ही उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दे दीजिए, CCTV में मत फंसाइए, क्योंकि CCTV से न कभी अपराध रुका है न रुकेगा। अपराध अगर रोकना है तब अपराध की बुनियाद में जाइए, अपराध की बुनियाद जो है वो समाज में होने वाली गैर बराबरी है, और वो गैर बराबरी को जो बचा के रखने वाले लोग हैं वो लोग ही इस तरह की से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको मैं कह देना चाहता हूँ कि ना HLEC माना है, ना रिपोर्ट माने हैं, ना तुम्हारा CCTV कैमरा मानने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी 24/7 पे एक CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया था, और उस वक्त का जो यूनियन था वो लड़ा था, कहा था कि ठीक है मारपीट हो गया लोग वहाँ पे कर लिए तो मारपीट रोक दीजिए, आपके हाथ में घाव हो गया तो आप हाथ कटवा लेंगे, ये तो कोई इलाज नहीं है, घाव हो गया घाव का इलाज कीजिए, हाथ कटवा लेना ये इलाज नहीं है। इस कैंपस के अंदर अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को हम सब लोग मिल करके रोकेंगे, वैसे भी अगर पुलिस अपराध रोकती तो पुलिस तो तब से है जब से अपराध है, लेकिन वो अपराध आज तक रुका नहीं, अपराध हमेशा समाज के कॉन्शियसनेस से रुकता है, और हमको लगता है कि JNU में लोग इतने कॉन्शियस हैं कि जब यहाँ मार करके लोग चला जा रहा है तब उसको कुछ नहीं करेंगे, आज जो अनुपम खेर जो है नेशनलिज्म पे क्लास लेक्चर दे के चले जाएंगे लोग उनको कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सवाल पूछेंगे, तो JNU जैसे कैंपस में इस तरह के चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मसला 5, 8, 10, 20 स्टूडेंट को बचाने का नहीं है, मसला JNU को बचाने का है, मसला इस कैंपस के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको बचाने का है, और ये लड़ाई अंदर से लेकर बाहर तक जारी रहेगी, क्योंकि JNU को बचाने की लड़ाई कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की लड़ाई है, JNU को बचाने की लड़ाई इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए दोस्तों आप तमाम लोगों से अपील है कि आगे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन का उसके खिलाफ हम लोग एकजुट रहेंगे, और अपने साथी उमर और दान की रिहाई को लेकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अब तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।